दोस्तों, आज आप जहाँ भी हो, सक्सेसफुल हो या स्ट्रगलिंग हो, एक सोच सब में कॉमन होती है कि हर कोई अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है, एक आइडियल लाइफ चाहता है, अपने सपनों की जिंदगी चाहता है। आप चाहते हैं कि आप तंदुरुस्त रहे, खुशहाल जिंदगी जिए, मजबूत रिलेशनशिप्स बनाए रखे और अच्छा पैसा कमाए। लेकिन अक्सर ये होता है कि हम उस आइडियल जिंदगी से कम हासिल करते हैं और एक मीडियोकर या एवरेज लाइफ जीते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको भी वैसे ही मीडियोकर लाइफ जीनी है, क्योंकि आपके आसपास के लोग भी वैसा ही जीते हैं। आप उन चंद लोगों में से हो सकते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं। खुशियाँ, स्वास्थ्य, पैसा, स्वाधीनता, सफलता, प्रेम, ये सब कुछ आप पा सकते हैं और ये आप डिजर्व करते हैं। आप अपनी बेस्ट लाइफ बना सकते हैं, लेवल 10 लाइफ बना सकते हैं, और ये सिर्फ पॉसिबल ही नहीं, सिंपल भी है। पहले आपको ये समझना है कि आप अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ पाने के लिए बिल्कुल योग्य है, लायक है, काबिल है। दूसरा, आपको रोज पर्सनल डेवलपमेंट के लिए समय निकालना है, जिससे आप वैसे इंसान बन पाए जैसे आप चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये ध्यान में रखना है कि फोकस्ड, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल मॉर्निंग से ऐसे ही सक्सेसफुल दिन बनते हैं और आखिरकार ऐसी ही सक्सेसफुल जिंदगी भी बनती है। अमेरिकन ऑथर हाल एलरोड की बुक द मिरेकल मॉर्निंग से हम जानेंगे कि कैसे एक ताकतवर सुबह के जरिए हम ऐसे इंसान बन सकते हैं जो जिंदगी को मीडियोकर से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दे। हम ये जानेंगे कि वो कौन से 6 प्रैक्टिसेस हैं जो आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इन 6 प्रैक्टिसेस पर आधारित द मिरेकल मॉर्निंग लाइफ सेवर्स प्लान को हम प्रैक्टिकली समझेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर जिम रोहन कहते हैं कि आपका लेवल ऑफ सक्सेस शायद ही आपके पर्सनल डेवलपमेंट से बेहतर हो सकता है। मतलब आपको अगर लेवल 10 सक्सेस चाहिए तो आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी लेवल 10 होना चाहिए। हम सभी को हेल्थ, हैप्पीनेस, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप और करियर में लेवल 10 सक्सेस चाहिए। लेकिन अगर हमारा पर्सनल डेवलपमेंट, मतलब हमारा नॉलेज, एक्सपीरियंस, माइंडसेट, बिलीव्स, ये लेवल 10 नहीं है, तो हम जिंदगी में सिर्फ स्ट्रगल ही करते रहेंगे। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए समय कैसे निकालें? मोटिवेशनल स्पीकर स्टीव पेविलिना कहते हैं कि दिन का पहला घंटा हमारा स्टीयरिंग व्हील होता है। सुबह उठने के बाद पहले घंटे में अगर आप आलस करते हैं तो लगभग आपका पूरा दिन आलसी और अनफोकस्ड हो जाता है। लेकिन अगर आपका पहला घंटा प्रोडक्टिव होता है तो आप पूरे दिन मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव रहते हैं। तो पर्सनल डेवलपमेंट पहले घंटे में ही क्यों नहीं किया जाना चाहिए? अब सवाल यह है कि पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं। ऑथर ने अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए 6 प्रैक्टिसेस को चुना था: मेडिटेशन, अफर्मेशन, जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन, रीडिंग, एक्सरसाइज। उन्होंने इन सब को दिन के पहले घंटे में 10-10 मिनट के लिए करना स्टार्ट किया। पहले 10 मिनट में वो साइलेंट बैठे रहे, मेडिटेशन किया, अपने ब्रीदिंग पर फोकस किया, उनको शांत महसूस हुआ। अगले 10 मिनट में उन्होंने एक मोटिवेशनल बुक थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी, उससे कुछ आइडियाज लिए और दिन भर उन्हें इम्प्लीमेंट किया, उनको मोटिवेटेड महसूस हुआ। उसके बाद 10 मिनट के लिए उन्होंने उसी किताब से सेल्फ कॉन्फिडेंस के अफर्मेशंस पढ़े, इससे उन्होंने अपने भीतर की अमर्यादित शक्ति को महसूस किया। उन्होंने खुद के लिए भी अफर्मेशंस बनाए, उनको एम्पावर्ड महसूस हुआ। अगले 10 मिनट के लिए उन्होंने विजुअलाइजेशन किया, उन्होंने विजन बोर्ड को सामने रखा और उसमें से हर इमेज को आग बन करके विजुअलाइज किया और वो इंस्पायर्ड हुए, उत्साहित हुए। अगले 10 मिनट में उन्होंने जर्नलिंग, मतलब अपने डायरी में कुछ लिखा, कुछ ऐसा लिखा जिसके लिए वो अपने जिंदगी में आभारी थे, इससे उनका डिप्रेशन तुरंत हल्का हो गया, उनको जो भी मिला उसके लिए वो थैंकफुल थे। और फिर आखिरी 10 मिनट के लिए उन्होंने एक्सरसाइज की, उन्होंने पुशअप्स और सिटअप्स किए, एक वीडियो से सीखकर योगा किया, उन्होंने एनर्जेटिक महसूस किया। और ये सब कुछ अविश्वसनीय था, एक मिरेकल था। यही वो उनकी पहली मिरेकल मॉर्निंग थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे पीसफुल, सबसे मोटिवेटिंग, एम्पावरिंग, इंस्पायरिंग, ग्रेटफुल और एनर्जाइजिंग दिनों को पहले एक घंटे में ही महसूस कर लिया। तो क्या आप भी दिन का पहला घंटा इस तरह बिताएंगे? 2008 के रिसेशन के बाद ऑथर का बिजनेस लॉस में चला गया था, लेकिन ऐसे मिरेकल मॉर्निंग के बाद उनकी एनर्जी लेवल, मोटिवेशन, क्लैरिटी, फोकस एक नए पायदान पर पहुंच गई थी। वो आसानी से अपने गोल सेट करते थे। प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और अपना इनकम बढ़ाया। अपना बिजनेस सिर्फ बैक टू नॉर्मल ही नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा प्रॉफिटेबल करने के लिए उनको सिर्फ 2 महीने इस मिरेकल मॉर्निंग को आजमाना पड़ा। और यही तो मिरेकल था। आज इस किताब के जरिए मिरेकल मॉर्निंग एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट बन चुकी है। ऑथर को सैकड़ों ईमेल्स आते हैं कि किस तरह इस मिरेकल मॉर्निंग की वजह से लोगों की जिंदगी में बदलाव आया।
पूरी सोसाइटी की बात की जाए तो करीब 95% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में अपनी इच्छाओं से कम पाकर सेटल होते हैं। उनको रिग्रेट होता है कि काश उनके पास और होता। इकोनॉमिकली देखा जाए तो सिर्फ 5% ही लोग अपने लाइफ में एक फ्रीडम एंजॉय करते हैं, जबकि 95% लोग स्ट्रगल ही करते रहते हैं। तो हमने ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें जिंदगी में स्ट्रगल ना करना पड़े? पहले हमको ये समझना चाहिए कि जब तक हम कुछ अलग तरीके से नहीं सोचेंगे या जिएंगे, तब तक हम एक एवरेज लाइफ ही जी पाएंगे, रिग्रेट ही करते रहेंगे, सफलता खुशियां पैसा पाने के लिए स्ट्रगल ही करते रहेंगे। दूसरा, अगर आपकी लाइफ मीडियोकर है तो वो क्यों है ये जानना चाहिए। आपको ये जानना है कि उन 95% मीडियोकर लोगों ने क्या गलती की। इसमें कुछ कॉमन गलती ज्यादातर लोगों में दिखती है। पहली गलती है रियर व्यू मिरर सिंड्रोम, मतलब हम ये सोचते हैं कि हम जो पास्ट में थे वैसे ही हम फ्यूचर में रहेंगे। हम हमारे पास्ट कैपेबिलिटीज से फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को लिमिट कर देते हैं। आप ये सोचने लग जाते हैं कि आप वो अचीव ही नहीं कर पाए थे, या मैं इस चीज में बार बार फेल होती रही तो आगे भी ऐसा ही होगा। फ्यूचर में और अचीव करने के लिए रियर व्यू मिरर से दूर जाना होगा। अपनी जिंदगी में लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज देखनी होगी। दूसरी गलती है आपके जिंदगी में पर्पस का ना होना। एवरेज लोग अपने लाइफ में पर्पस नहीं ढूंढ पाते हैं जो उनको सुबह एक उत्साह के साथ उठने में मदद करे। वो किसी भी काम में कम से कम रेजिस्टेंस चाहते हैं। उनका शॉर्ट टर्म प्लेजर्स पर फोकस होता है और वो किसी भी तकलीफ को अवॉइड करते हैं। इसके लिए पर्पस होना बहुत जरूरी है। अपने ग्रोथ पर फोकस करना, अपने सपनों को पाने की कोशिश करना, औरों को इंस्पायर करना, यही तो आपका पर्पस है। इसलिए आज ही अपने जिंदगी के पर्पस को कागज पर लिखिए और उसे दीवार पर लगा दीजिए जहां आपकी रोज नजर जाए। तीसरी गलती है कि अपनी इच्छा से आप कोई भी नेक काम करते हैं तो आप सोचते हैं कि वो सिर्फ उसी समय आपको फायदा पहुंचाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जिम में जाते हैं तो क्या एक दिन की जिम में आपको अच्छा फिजिक मिल जाता है? बिल्कुल नहीं। आपको रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी की वजह से अच्छा फिजिक मिलता है। और फिर किसी दिन आप जिम मिस करते हैं और सोचते हैं कि कल मैं जिम में जाने ही वाला हूँ, तो ये एक मिस्टेक है। हमारे चॉइसेस का, एक्शंस का, इवन सोच का हमारे ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है और यही डिसाइड करता है कि आप क्या बनने वाले हैं। अगर आप सही काम की जगह आसान काम करते हैं तो आप ऐसे इंसान बनने जा रहे हैं जिनको कम्फर्ट ज्यादा पसंद है, जबकि सही काम आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। इसलिए ये सोचना कि आप क्या कर रहे हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या बन रहे हैं। चौथी गलती है कि किसी भी काम में आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। हमारे पेरेंट्स और टीचर्स ने हमारे प्रति एक अकाउंटेबिलिटी रखी, तभी तो हम 18 साल तक पॉजिटिव रिजल्ट्स ला पाए। इस किताब को पढ़ने के बाद 95% लोग अपने लाइफ में सीखी हुई चीज इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई मॉनिटर ही नहीं करता है या उनको किसी को जवाब भी नहीं देना होता है। इसके लिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चुनिए। जैसे जिम में अपने कोच को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए जो आपके ऊपर नजर रखे कि आप कितने रेगुलर है और आपका कैसा प्रोग्रेस है। पांचवी गलती है जब आप मीडियोकर लोगों के बीच समय बिताते हैं। आलसी, कमजोर दिमाग वाले, बहाने बनाने वाले लोग आपको भी वैसा ही बना देते हैं। इसलिए पॉजिटिव सफल लोगों के साथ ज्यादा समय बिताइए। इससे उनका एटीट्यूड और उनकी आदतें आप में भी रिफ्लेक्ट होती है। पीछे खींचने वाले नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, फिर वो चाहे आपके करीबी भी क्यों ना हो। उनके साथ रहिए जो आप पर विश्वास रखते हैं, इनकरेज करते हैं, मदद करते हैं। आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी ऐसा ही होना चाहिए। छठवीं गलती है कि आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट को नजरअंदाज करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर जिम रोन कहते हैं कि हमारा सक्सेस का लेवल हमारे पर्सनल डेवलपमेंट से शायद ही ज्यादा हो सकता है। पर्सनल डेवलपमेंट मतलब आपकी आदतें, नॉलेज, स्किल्स, बिलीव्स, आस्था। ध्यान रखिए कि अगर आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट को समय नहीं देते हैं तो आपको पेन और स्ट्रगल को समय देना होगा। और फाइनली एक गलती ये भी है कि किसी भी काम को लेकर आप में कोई अर्जेंसी नहीं होती। 95% लोग कोशिश नहीं करते हैं कि उनकी लाइफ सुधर जाए। वो अपनी जिंदगी को अपने आप चलने देते हैं। वो समडे माइंडसेट रखते हैं, मतलब कर लेंगे कभी ना कभी। ये समडे माइंडसेट जिंदगी में हमेशा के लिए रह जाता है और इसकी वजह से काम में देरी करना एक आदत बन जाती है। एक पछतावा रह जाता है कि काश मैं उस समय ये कर लेता या मैं अब तक बहुत कुछ हासिल कर पाती। इसलिए संत कबीर सही कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, समय यू ही बीत जाएगा, तब क्या कर पाओगे। इसलिए तीसरी स्टेप यही है कि आज ही निश्चय लीजिए कि मीडियोक्रिटी आप कभी भी नहीं चाहेंगे। आज से ही अपनी जिंदगी में वो जरूरी बदलाव लाइए जिससे आप अपने सपनों की जिंदगी हासिल कर पाए। हर दिन कुछ नया सीखिए और जिंदगी में आगे बढ़िए।
आप सुबह क्यों उठते हैं? आप चाहते हैं इसलिए उठते हैं या आपको किसी वजह से उठना पड़ता है? जिनकी लाइफ में पर्पस होता है, पैशन होता है, वो उत्साह और जोश के साथ उठते हैं। एक कहावत है, यू स्नूज यू लूज, इसलिए अपने अलार्म क्लॉक को स्नूज मत कीजिए, तुरंत उठ जाइए। अब सवाल ये है कि हमें कितने घंटे की नींद चाहिए, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। किसी को 7 घंटे की नींद लगती है तो किसी को 9 घंटे की। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के रिसर्च में ये पाया गया है कि ज्यादा लंबा सोने से, मतलब 9 घंटे से ऊपर सोने से बीमारियां बढ़ती है, लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है। ऑथर के मुताबिक हमें उतनी ही नींद लगती है जितना हम बिलीव करते हैं या मानते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि आपको 8 घंटे की नींद लगती है और फिर जब आपको 6 घंटे में ही उठना पड़ता है तो आप थकान महसूस करेंगे, लेकिन जब आप अपना बिलीव बदलते हैं, जैसे 5 घंटे में ही उठकर आप एकदम फ्रेश महसूस करेंगे, तो आप कम नींद में भी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। स्कूल में जब आप पिकनिक के लिए उठते थे तो कभी आपको थकान महसूस हुई थी? सोचिए, अगर ऐसे ही उत्साहित होकर आप पर्सनल डेवलपमेंट के लिए उठते हैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी या लेवल 10 लाइफ पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सुबह जल्दी उठना आपके लिए कितना मुश्किल है, ये आपके मोटिवेशन पर निर्भर करता है। अगर आपका वेकअप मोटिवेशन लेवल कम है तो इसे बढ़ाने के लिए 5 स्टेप्स को ध्यान में रखिए। पहला ये कि रात को सोने से पहले अगले दिन का पर्पस सेट कीजिए। इसके लिए बेड टाइम अफर्मेशंस का इस्तेमाल कीजिए। अगली सुबह के बारे में पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखिए। एक्साइटमेंट क्रिएट कीजिए, जैसे अफर्मेशंस में ये कहिए कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा रहा, कल इससे बेहतर रहेगा, कल मेरे सपने सच होने वाले हैं। दूसरा, आप सोने से पहले अपने अलार्म क्लॉक को अपने रूम के दूसरे कोने में रखिए। इससे आप फोर्सफुली उसे टर्न ऑफ करने के लिए बेड से उठेंगे। तीसरा, आप ब्रश करना स्टार्ट कीजिए और अपने चेहरे को धो लीजिए। इससे आपकी नींद जा चुकी होगी। ध्यान रखिए कि इन सारे स्टेप्स में आपका वेकअप मोटिवेशन लेवल बढ़ते जा रहा है। चौथा, एक पूरा ग्लास पानी पीजिए और अपने बॉडी को हाइड्रेट कीजिए, क्योंकि रात भर में हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी होती है और डिहाइड्रेशन से थकान बढ़ती है। और फाइनली 5वें स्टेप में अपने एक्सरसाइज के कपड़े पहन लीजिए और मिरेकल मॉर्निंग की शुरुआत कीजिए, नहीं तो नहा लीजिए, जिससे आप एकदम फ्रेश महसूस करेंगे। इन सारे स्टेप्स में आपका वेकअप मोटिवेशन लेवल 10 के स्केल में 5 से 6 तक पहुंच चुका होगा। और इसके बाद सिर्फ एक पर्पस, पैशन की जरूरत होती है, जो आपको लेवल 10 मोटिवेशन तक पहुंचा देगी। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ सिचुएशन को मैनेज करने में ही समय बिताते हैं। हमारी लाइफ सिचुएशन बाहरी परिस्थितियों से बनती है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि हमारी लाइफ हमारे लाइफ सिचुएशन से बहुत बड़ी है। हमारी लाइफ इंटरनल कंपोनेंट से बनती है, एटीट्यूड और माइंडसेट से बनी है, जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ सिचुएशन बदल सकते हैं। हमारी लाइफ कुछ पार्ट से बनी है, जिसे पाइज कहते हैं, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। फिजिकल लाइफ मतलब आपकी बॉडी, हेल्थ, एनर्जी। इंटेलेक्चुअल लाइफ मतलब आपका माइंड, इंटेलिजेंस, आपके विचार। इमोशनल लाइफ मतलब आपके इमोशंस, फीलिंग्स, एटीट्यूड। और स्पिरिचुअल लाइफ मतलब आपका स्पिरिट, सोल और आपके भीतर छुपा हुआ ऐसा पावर जो इन सबको कंट्रोल करता है। ध्यान रखिए कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक दुनिया का ही रिफ्लेक्शन है, इसलिए आप अपने पाइस पर फोकस कीजिए और उसे निरंतर इम्प्रूव करते रहिए, जिससे आपकी लाइफ सिचुएशन भी इम्प्रूव हो जाएगी। और इसी पाइस को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी लेवल 10 जिंदगी बनाने के लिए ऑथर ने हमें 6 प्रैक्टिसेस बताए हैं, जिसे लाइफ सेवर्स कहा जाता है। इसमें सेवर्स का मतलब है साइलेंस, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्क्राइबिंग। आपको याद होगा कि ये वही 6 प्रैक्टिसेस है जो ऑथर ने अपने पहले मिरेकल मॉर्निंग में किए थे। अब हम इन्हें डिटेल्स में प्रैक्टिकली जानेंगे। सेवर्स में एस का मतलब है साइलेंस। साइलेंस मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, इसका मतलब एक पर्पसफुल साइलेंस, साइलेंस रहकर एक उपयोगी पर्पस के बारे में सोचना। पीसफुल माइंड और पर्पसफुल साइलेंस के साथ सुबह की शुरुआत करने से हमारा स्ट्रेस कम होता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है, जो हमें अपने गोल्स और प्रायोरिटीज पर फोकस करने में मदद करता है। साइलेंस में आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रेयर, रिफ्लेक्शन, डीप ब्रीदिंग, ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। मेडिटेशन से मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर, ब्रेन एक्टिवेशन, इन पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। मेडिटेशन स्ट्रेस और पेन को कम करता है, अच्छी नींद, फोकस और इवन अपनी आयु बढ़ाता है। मेडिटेशन किस तरह किया जाता है? पहले आप अपना माइंडसेट प्रिपेयर कीजिए, अपने एक्सपेक्टेशन सेट कीजिए, अपने पास्ट को छोड़ दीजिए, ना ही फ्यूचर की चिंता कीजिए, कंप्लीटली प्रेजेंट में रहिए।
रिलैक्स हो जाइए। फ्लोर पर पैरों को क्रॉस करके स्ट्रेट बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए। नाक से लंबी सांस लीजिए और मुंह से धीरे धीरे छोड़िए। सांस लेते समय ये ध्यान रखिए कि आप ब्रीदिंग अपने पेट से कर रहे हैं, ना कि अपने चेस्ट से। कभी आपके मन में कोई विचार आ जाए तो जल्दी ही उसे निकाल दीजिए और ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए। अब आप सारी चिंताएं और स्ट्रेस को निकाल चुके हैं और प्रेजेंट में आ चुके हैं। सांस लेते समय ये सोचिए कि एक पॉजिटिव, लविंग और पीसफुल एनर्जी आप अंदर ले रहे हैं और सांस छोड़ते हुए आप स्ट्रेस को, वरीज को निकाल रहे हैं। इस शांति को एंजॉय कीजिए। इसे रोज 10 से 15 मिनट कीजिए। साइलेंस की प्रोसेस करते हुए आप प्रे कर सकते हैं, या फिर किसी चीज के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, या फिर गहराई तक सोच सकते हैं। साइलेंस में रहना शुरुआत में मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये आपको आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बिना फ्रस्ट्रेशन के सॉल्व करने की शक्ति प्रदान करता है। लाइफ सेवर्स में ए का मतलब है अफर्मेशंस। हेवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली कहते थे कि अफर्मेशन को बार बार कहने से वो मन में विश्वास पैदा करता है और फिर विश्वास कन्विक्शन में बदलता है और हमें सक्सेस मिलते जाता है। मोहम्मद अली अपने अफर्मेशंस में आई एम द ग्रेटेस्ट कहते थे और वो ग्रेटेस्ट वाकई बने भी। अफर्मेशंस एक पावरफुल टूल है जिससे आप माइंडसेट बनाते हैं और अपने सोच विचार से, बिलीव्स, फोकस से उसे डेवलप करते हैं। अफर्मेशन से आप अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल और इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज को याद रखते हैं। कुछ सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज जैसे जिम कैरी, विल स्मिथ, ओपरा विनफ्रे, इन्होंने अफर्मेशन का इस्तेमाल किया। सेल्फ टॉक मतलब स्वयं से बातचीत अगर पॉजिटिव हो तो इससे हमारे ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट होता है। इसी तरह जब आप अपने अफर्मेशन केयरफुली डिजाइन करते हैं और उसे कहीं लिख लेते हैं तो उसे बार बार कहने से आपके सबकॉन्शियस माइंड पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। हमारे बिलीव्स कैसे डेवलप होते हैं? कुछ नेगेटिव बिलीव्स जैसे मेरी मेमोरी बहुत कमजोर है, मुझे सुबह उठा नहीं जाता, इससे आप खुद में डर, इनसिक्योरिटी, लिमिटेशंस डेवलप करते हैं। ऐसे बिलीव्स या प्रोग्रामिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप होती है। बिलीव्स तब बनते हैं जब आपको कोई कुछ कहता है या आप अपने आप को कहते हैं। इसके अलावा आपके अच्छे या बुरे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ये बिलीव्स या प्रोग्रामिंग डेवलप होते हैं और इसीलिए आप जो भी काम करते हैं उसमें कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल रहने के लिए अफर्मेशंस के जरिए प्रोग्रामिंग डेवलप करनी पड़ती है। अफर्मेशंस किस तरह बनाएं? इसके लिए पांच स्टेप्स को ध्यान में रखिए। पहला, कि ये अपने आप को पूछिए कि आपको कैसी जिंदगी चाहिए। लेवल 10 जिंदगी आपके हिसाब से क्या है? आपकी आइडियल लाइफ कैसी होनी चाहिए? हेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप में आप क्या और कितना सक्सेस चाहते हैं? ये कागज पर लिखिए। दूसरा, ये अपने आप से पूछिए कि आपको वो गोल क्यों हासिल करना है। इसमें गहराई तक सोच विचार करके बताना है। जितना गहराई में जाकर आप सोचेंगे उतना ही मजबूत और अनस्टॉपेबल पर्पस आपको मिलेगा। तीसरी स्टेप में आप लिखेंगे कि आप कैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं, किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप फ्यूचर में अपने आप को कैसे देखते हैं। चौथी स्टेप में आप लिखेंगे कि ऐसा व्यक्ति बनने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, आप वैसा इंसान बनने के लिए क्या क्या करेंगे। ध्यान रखिए कि आप क्या करेंगे वो स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे, मैं रोज सुबह 6 बजे 20 मिनट के लिए ट्रेडमिल पर रनिंग करूंगी। हो सकता है शुरुआत में वो टास्क आपको मुश्किल लगे, तो आप शुरुआत में छोटे टारगेट्स रखिए, लेकिन वो टास्क रेगुलरली कीजिए। कंसिस्टेंसी के साथ छोटे छोटे डेली इम्प्रूवमेंट्स लॉन्ग रन में अमेजिंग रिजल्ट्स लाते हैं। और यही बात हम ऑथर जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स से अच्छे से जान सकते हैं। इस किताब का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पांचवी स्टेप में आप फिलोसॉफी या कुछ ऐसे कोट्स लिखिए जो आपको इंस्पायर करते हो, आपसे रिलेट करते हो। जब भी आप अफर्मेशंस पढ़ते हैं तो उसे पढ़ना है इसलिए मत पढ़िए, अपने इमोशंस के साथ या फीलिंग्स के साथ पढ़िए। लंबी सांस लीजिए और जोश के साथ पढ़िए। कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हुए पढ़िए जिससे आपका माइंड बॉडी कनेक्शन मजबूत रहे। अफर्मेशंस एक बार बना लिए तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए वही रहे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे जरूरत के हिसाब से उन्हें मॉडिफाई कीजिए और उसे रोज पढ़िए। लाइफ सेवर्स में वी का मतलब है विजुअलाइजेशन। इसका मतलब है अपनी बाहरी दुनिया या फ्यूचर मेंटल पिक्चर्स के जरिए इमेजिन करना। ये इमेजिन करना जो आप खुद के बिहेवियर में देखना चाहते हैं या फिर कोई आउटकम या रिजल्ट आप पाना चाहते हैं। एथलीट्स अक्सर विजुअलाइज करते हैं कि वो विनर है ताकि उनका परफॉर्मेंस बेस्ट रह सके। 1987 में एक्टर जिम कैरी ने $10 million का चेक अपने नाम पर लिखा था जो थैंक्सगिविंग 1995 के लिए पोस्ट डेटेड था।
जिसमें लिखा था एक्टिंग सर्विस देने के लिए। उन्होंने इस चेक को इतने साल तक विजुअलाइज किया और वाकई उन्हें 1994 में डम्ब एंड डम्बर मूवी के लिए $10 मिलियन मिले थे। ऑथर हाल एलरोड ने जब ये बुक लिखी थी तब वो विजुअलाइज करते थे कि ये बुक वो बड़े आसानी से लिख रहे हैं, वो बिना स्ट्रेस के बिना डर के बुक लिखना एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने विजुअलाइज किया था कि जब लोग मेरी बुक पढ़ेंगे तो उनको बहुत पसंद आएगी, वो लोग अपने फ्रेंड्स को इस बुक को रेकमेंड करेंगे, और ऐसे विजुअलाइजेशन से वो मोटिवेटेड रहते थे, काम में देरी भी नहीं करते थे। विजुअलाइजेशन कैसे करें? पहले स्ट्रेट बैठिए, आंख बंद कीजिए, लंबी सांस लीजिए, सारे सोच विचार हटा दीजिए। अब आप वो विजुअलाइज कीजिए जो आपको हासिल करना है, आपके गोल्स, गहरी इच्छा, सपने विजुअलाइज कीजिए। अपने विजन को देखिए, सुनिए, महसूस कीजिए, टच कीजिए। आपका विजन जितना रियलिस्टिक होगा उतना ही एक्शंस लेने के लिए आप मोटिवेटेड रहेंगे। मतलब आपको वो देखना है जो आप पाना चाहते हैं, और उसके बाद आप कितना अच्छा महसूस करेंगे, और फाइनली आपको क्या बनना है उसके लिए आप क्या क्या करेंगे, इसको विजुअलाइज कीजिए। आपको रोज अपने आप को वैसे व्यक्ति के रूप में देखना है। विजुअलाइज कीजिए कि आप रोज पॉजिटिव एक्शंस ले रहे हैं और उसे एंजॉय भी कर रहे हैं। लाइफ सेवर्स में ई का मतलब है एक्सरसाइज। आपको अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए, एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज निरंतर करनी चाहिए। मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, ऐसे एक्सक्यूजेस ज्यादातर लोगों के पास होते हैं। सोचिए कि सुबह उठने के बाद ना आप थके हुए रहते हैं, ना ही आपके पास समय की कमी होती है, और यही मिरेकल मॉर्निंग की खूबसूरती है। ऑथर रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज को समय नहीं देते हैं तो शायद आप बीमारी को समय दे रहे हैं। सुबह आप कम से कम जंपिंग जैक्स, पुशअप्स, सिटअप्स या एरोबिक्स कीजिए। एक्सरसाइज से आप हार्ट रेट, ब्लड सर्कुलेशन, इवन मेंटल क्लैरिटी बढ़ाते हैं, लंग्स को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। इसके अलावा योगा भी बहुत फायदेमंद होता है, जिसमें स्ट्रेचिंग होती है और ये ब्लड फ्लो बढ़ाता है। योगा में ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस या प्राणायाम बहुत मूल्यवान होते हैं। लाइफ सेवर्स में आर का मतलब है रीडिंग। अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन कहते हैं कि एक इंसान जो पढ़ नहीं सकता है और दूसरा जो पढ़ता नहीं है, उसे पहले के मुकाबले कोई एडवांटेज नहीं मिलता। आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में लेवल 10 सक्सेस अचीव करना है तो सबसे जरूरी है कि आपके पास उसका नॉलेज, आइडियाज और स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, और ये आपको कोई किताब जरूर दे सकती है। मतलब आपको उन एक्सपर्ट्स से कुछ सीखना है जिन्होंने वो अचीव किया है। अगर आप रोज 10 पेजेस पढ़ते हैं तो सोचिए आप 365 दिनों में 3650 पेजेस पढ़ेंगे, मतलब 200 पेजेस की 18 पर्सनल डेवलपमेंट की किताब पढ़ सकते हैं। क्या आपको लगता नहीं इतनी किताबें पढ़ने से आप ज्यादा नॉलेजेबल, ज्यादा काबिल और कॉन्फिडेंट रहेंगे? कोई भी किताब पढ़ने से पहले ये जरूर सोचिए कि आप वो क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आप उन आइडियाज को सीरियसली लेंगे और अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे। जब आप पढ़ते हैं तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट को हाईलाइट कीजिए, ताकि वो आप फ्यूचर में आसानी से फिर से पढ़ पाए, या फिर अपने नोट्स बना लीजिए। लाइफ सेवर्स में आखिरी एस का मतलब है स्क्राइबिंग, मतलब लिखना। हम ये सोचे कि कोई नया नॉलेज या आइडिया हम याद रख लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मेंटल नोट्स की स्याही कागज के मुकाबले जल्दी मिटती है। किसी भी आइडिया या इन्फॉर्मेशन को लिखने से हम उस टॉपिक के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, जिससे हमें और क्लैरिटी मिलती है। लिखने से आप उस आइडिया को भूलने से सिर्फ बचाते ही नहीं है, उसको फ्यूचर में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत होता है जब आप पिछले साल का अपना प्रोग्रेस अपने डायरी में देखते हैं। वो आपको इंस्पायर करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि अपने काम में हम इतने बिजी रहते हैं कि मिरेकल मॉर्निंग के लिए हमें समय ही नहीं मिलता है। तो ऐसे वक्त ऑथर ने हमें 6 मिनट मिरेकल के लिए कहा है, मतलब लाइफ सेवर्स के वो 6 प्रैक्टिसेस 1-1 मिनट के लिए करना। एटलीस्ट कुछ नहीं से थोड़ा सा ही सही, लेकिन मिरेकल मॉर्निंग को कंटिन्यू करते रहना है। आप मिरेकल मॉर्निंग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइफ सेवर्स में कभी आप एक्सरसाइज को पहले ले सकते हैं, या रीडिंग को पहले ले सकते हैं, या कभी राइटिंग को पूरा समय दे सकते हैं। अगर आप अपने काम से देर रात आते हैं तो बस एक ही काम करना है, 1 घंटा जल्दी उठ जाना है और मिरेकल मॉर्निंग को रेगुलरली करना है। सुबह खाने में क्या खाना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिए कि आप जितना ज्यादा खाते हैं उतनी ही ज्यादा एनर्जी डाइजेशन में खर्च होती है, और आप लिथार्जी या सुस्त महसूस करते हैं। फोकस और अलर्टनेस बढ़ाने के लिए आपका ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ होना चाहिए, ना कि पेट की तरफ। इसलिए फ्रूट्स, जूस या स्मूदी खाइए जो आसानी से डाइजेस्ट होते हैं, और जितना हो सके उतना हेल्दी डाइट लीजिए
जो आपकी एनर्जी लेवल बरकरार रखेगा और सेहत भी अच्छी रखेगा। किसी भी काम में देरी को अवॉइड करने के लिए ये ध्यान में रखिए कि सबसे मुश्किल काम सुबह सबसे पहले कीजिए। इसी तरह प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करिए। ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने अपनी बुक ईट दैट फ्रॉग में समझाया है कि कैसे मुश्किल काम सुबह सबसे पहले करने से हमें मेंटल शक्ति मिलती है और एक मोमेंटम मिलता है जो पूरे दिन को प्रोडक्टिव रखता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी की क्वालिटी हमारे हैबिट्स की क्वालिटी पर निर्भर करती है और ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे हमारे हैबिट्स को कंट्रोल करें। हैबिट्स ऐसा बिहेवियर है जो अगर रिपीटेडली करें तो सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स होता है। ध्यान रखिए, अगर आप हैबिट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हैबिट्स आपको कंट्रोल करेंगे। हम न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं कि कल से सुबह जल्दी उठकर जिम जाना है। ये सब शुरुआती दिनों में बहुत एक्साइटिंग रहता है, लेकिन जनवरी एंड तक 95% लोग ऐसे न्यू ईयर रिजोल्यूशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि कोई भी बदलाव पेनफुल होता है। हमारे पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होती है जिससे हम उसे कंटिन्यू कर पाए। डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में कोई बदलाव एक्सेप्ट करने में 21 दिन लगते हैं। ऑथर हाल एलरोड अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताते हैं कि हैबिट फॉर्मेशन के लिए टोटल 30 दिन लगते हैं। उनके हिसाब से पहले 10 दिन सबसे पेनफुल होते हैं, जिसमें आप बदलाव से नफरत करते हैं। दूसरे 10 दिन में ये पेन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। आप नए हैबिट से यूज्ड टू हो रहे होते हैं। आप में एक कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी डेवलप होती है। ये बात बहुत हद तक सही है कि आपको हैबिट फॉर्मेशन के लिए 21 दिन लगते हैं, लेकिन आखिरी 10 दिनों में आप उस हैबिट को लॉन्ग टर्म के लिए जीवित रखते हैं। वो नई हैबिट आपके जीवन में खुशी लाती है। उस हैबिट के साथ आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। द मिरेकल मॉर्निंग 30-डे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज इसी 30 दिन के हैबिट फॉर्मेशन पर आधारित है। मतलब 30 दिनों के लिए रोज सुबह मिरेकल मॉर्निंग एग्जीक्यूट करने से वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसिप्लिन के साथ आपके हर दिन की शुरुआत होगी। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कौन से सबसे महत्वपूर्ण काम पर आपको फोकस करना है। आपकी रोज की पर्सनल डेवलपमेंट से आप ऐसे इंसान बन जाएंगे जो अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल करने के लिए एकदम तैयार है। आपका एक माइंडसेट डेवलप होगा जो जिंदगी को इम्प्रूव करने की इच्छा रखेगा। मिरेकल मॉर्निंग को इम्प्लीमेंट करते हुए शुरुआत में आप हिचकिचाएंगे, बेचैन होंगे, क्योंकि हम में से सभी रियर व्यू मिरर सिंड्रोम से गुजरते हैं, जो हमें पास परफॉर्मेंस के बेसिस पर आकलन करना बताते हैं। एक तरह से बेचैन होना अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि वो बताता है कि आप मिरेकल मॉर्निंग के लिए कमिटेड है। आप मिरेकल मॉर्निंग वहाँ कीजिए जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, चाहे वो लिविंग रूम हो, पोर्च हो या कोई पार्क हो। हो सके तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अपने साथ रखिए जिनकी मदद से आप अपना रेगुलर परफॉर्मेंस मॉनिटर कर पाए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के बिना आप मिरेकल मॉर्निंग की शुरुआत ही ना करें। कल से ही एक दृढ़ निश्चय के साथ ऐसी ताकतवर सुबह की शुरुआत कीजिए जो आपको अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए हमेशा प्रेरित करेगी। आज आप जहाँ है वो क्या थे उस वजह से है, लेकिन आप कल क्या बनेंगे ये आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं इस पर निर्भर होगा। दोस्तों, इस बुक के ऑथर हाल एलरोड खुद ही इतने बड़े इंस्पिरेशन हैं, आप उनके बारे में जरूर जानिए। दिसंबर 1999 में सिर्फ 20 साल के हाल एलरोड एक भयानक कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गए थे। उनका ब्रेन डैमेज हुआ था। उन्हें कहा गया था कि वो कभी चल नहीं पाएंगे। यही से उन्होंने अपने मन की शक्ति का परिचय दिया। आज वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और सक्सेस कोच है जो दुनिया में द मिरेकल मॉर्निंग से लोगों को इंस्पायर करते हैं। द मिरेकल मॉर्निंग 30-डे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।